अपने परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता। आदरणीय नेहा बहन जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आकर पहले पुष्प गुच्छ से स्वागत करें डॉक्टर रूपा मित्तल। स्वीकार कुसुमित हुई है श्रद्धा की ये प्यारी, महकने लगी है भावनाएं हमारी। और अब स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित है हमारे बीच एक नन्ही हम सब की प्रिय कन्या नेहा। जल्दी दियों को बचाती चले, जल्दी सेवा देती रहती हैं समय समय पर। और डॉक्टर वर्षा जैन, डॉक्टर अनिल
धमतरी में उनकी पुत्र वधु हैं। विगत 17 वर्षों से वे धमतरी शहर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और उन्होंने अपने सेवाग्राम से अपना ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने नागपुर मेडिकल कॉलेज से किया। इसके अलावा वे भी धमतरी में जेसिस क्लब, लाइनस क्लब और इनरवे क्लब, इसके बाद जो कैंप्स वगैरह आयोजित होते हैं उसमें अपनी सेवाएं देती रहती हैं और भारतीय जन संगठना की वे ट्रेनर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स वो कार्यक्रम भी वो चलाती हैं। इसके अलावा IMA की पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। ये तो खैर इनकी कहना चाहिए शैक्षणिक उपाधि है, इसके अतिरिक्त भी जो वे निस्वार्थ भाव से इस धमतरी शहर की सेवा कर रही हैं दोनों डॉक्टर, उनके लिए मैं चाहूँगी कि सभी एक बार करतल बने करें। रूपा मित्तल, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जिससे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, वो कृपया आप उस विषय में अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। संपूर्ण स्वास्थ्य से अक्सर लोग समझते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो संपूर्ण स्वास्थ्य है, जबकि वे मानसिक रूप से परेशान है, सामाजिक स्थिति उसकी खराब है और आध्यात्मिक रूप से शून्य है, किंतु ऐसा नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य वह है जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो, इसी के पश्चात वह उसके आसपास का वातावरण स्वस्थ है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो सभी लोग आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आप समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि दूसरों की जरूरत पड़ने पर मदद करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और साफ रखना, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु और प्रकृति से हम थोड़ी देर के लिए जुड़ने की कोशिश करें, तभी मुझे लगता है कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से ही लोग दरअसल समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, अपने घर का पूरे अच्छी तरह से काम कर ले रहे हैं और यही सब है, पर आपने सही कहा, आज के समय में तो विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता है। डॉक्टर वर्षा जैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने बताया, और एक हर नारी के भीतर एक आंतरिक सौंदर्य होता है, आप क्या कहती हैं कि आंतरिक सौंदर्य हम कैसे निखार सकते हैं अपनी खूबसूरती को, और उसके साथ ही साथ हम अपनी शारीरिक आंतरिक के साथ साथ हम अपनी शारीरिक खूबसूरती को भी कैसे निखार सकते हैं, कृपया इस विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दिया। शुरुआत करने के पहले मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहूंगी। आह्वानित है देख भगवान प्रणम्य पूजे जन, सम्मानित है अतिथिगण, मैं करती हूँ अभिनंदन अभिनंदन। आंतरिक स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूंगी कि अपने आप को आंतरिक तरीके से कैसे स्वस्थ रहना है। एक तो सबसे पहले अपना मन, मन को एकदम साफ सुंदर सुशील रखना है, मन के विचारों को अपने खराब नहीं करना है, और अपने मन को स्वस्थ रहेगा तभी अपना तन भी स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि मन चंगा तो प्रकृति में गंगा, तो अपना स्वास्थ्य अगर आंतरिक रूप से स्वस्थ रखना है तो अपना मन स्वस्थ रहना चाहिए, गंदे विचार नहीं रहने चाहिए, और जैसे झूठ बोलना है या चोरी करने की भावना रखना है, किसी को कटु शब्द बोलना है, किसी का मन दुखाना है, ये सब अपना मन अपने को अगर की गवाह देता है। ऊपर कान से अगर अपन स्वस्थ दिख रहे हैं लेकिन मन गंदा है, तो स्वाभाविक रूप से आप आंतरिक तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकते। और दूसरा ये है कि अपना वचन भी अपने को अंदर अपने मन से वचन भी मीठे रहने चाहिए, किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए, अपने बोली से वाणी हमेशा मीठी रहनी चाहिए, चाहे अपना दुश्मन भी कोई क्यों ना आ जाए तो अपने को उसके लिए एकदम मीठे तरीके से उसके सामने पेश होना चाहिए। तीसरा मतलब मन वचन के दो चीज तो है, और आजकल तो लोग मतलब शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं, जैसे कपड़े पहनना है, मोटर बंगला गाड़ी, और आजकल नया मोबाइल का
जमाना निकला है, देख लें कि हमारे पास ये सब है तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन आई फील कि सिंप्लिसिटी में जो है वो इसमें नहीं है, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज योर लाइफ। सादा जीवन, उच्च विचार, महात्मा गांधी भी यही चीज अपनाते थे और वो कहते थे कि हमेशा अपने आप को सादा जीवन रखो और विचारों को अपने उच्च रखना है, नीच विचार कभी नहीं रखना चाहिए किसी ने भी। सेकेंडली आई शुड से कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा, ऑल दीज ग्रेट लीडर्स जो अपने इंडिया के हैं, वो लोग कितने सिंपल हैं। ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उनके मन विचार इतने अच्छे हैं। आज भी उनकी तस्वीरें अपने दीवारों पर रख के उनको देखते हैं और उनकी गुणों की पूजा करते हैं कि कितने महान हैं ये। लेकिन जो सुंदर और ऊपर से दिख रहे हैं उनका कहाँ ये सब होता है, मतलब अपन बयान भी नहीं कर सकते इन लोगों की कि कैसे है ये सब। संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा में अपने और वर्षा बहन ने बताया कि वास्तव में शरीर, मन, समाज और अध्यात्म, ये चारों चीजों को मिलाकर के ही संपूर्ण स्वास्थ्य कहा जाएगा। शरीर जो कि पांच तत्वों का बना हुआ है ये तो हम जानते हैं, ये अभौतिक शरीर जिसको कि कहा जाता है कि इसमें अभौतिक तत्व अर्थात मन वास करता है, इसको हम कहेंगे मन की ताकत। लेकिन सामाजिक, जहाँ पर आना जाना, बैठना उठना, उससे संबंध जोड़ना और उससे हर चीजों को निभाना, ये होगा सामाजिक। और आध्यात्मिक जो कि हमें जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करती है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हम इतने व्यस्त रहते हुए भी आज हमारी जो माताएं हैं पहने अपने कार्य क्षेत्र में, चूंकि शरीर का काम है कार्य करना, बिना कार्य के या बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न जिंदा रह सकता है और न ही उन्हें जिंदा रहना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि व्यस्त रहते हुए कैसे हम अपने आप को स्वस्थ, अपने मन को पहले हम स्वस्थ कैसे रखें, तो मन को एक दिशा प्रदान करने की जरूरत है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कोई बच्चा है, बच्चा अगर कोई गंदा या कोई हानिकारक ऐसा कोई चीज या खिलौना से खेल रहा हो, लेकिन हमें उसको सही चीज देनी है या वहां से हमको उसको निकालना है, तो हमें उनको एक सुंदर सा खिलौना या तो फिर एक ऐसी चीज देनी होगी जो उसके लिए ठीक है या वहां से उसका ध्यान हटे और उनका जो मन है उस खिलौने में लग जाए। तो उसी प्रकार से हम आज कार्य क्षेत्र में, हम अपने घर परिवार में उस कर्म को तो करते ही हैं, लेकिन कर्म करते करते दो मिनट मन के लिए एक ऐसी दिशा या एक ऐसा कार्य, एक ऐसी विधि हम निकालें और वो है मन, क्योंकि मन ही है जो हमें एक सुंदरता प्रदान करता है और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अगर मन ठीक नहीं सोचेगा तो वास्तव में मन के कारण ही तन पर प्रभाव पड़ता है। जितनी भी आज दुनिया की बीमारियां हैं वो सब मन के कारण है। और आज एक शब्द आज सारे जहान में व्याप्त है, वो है तनाव, टेंशन। और टेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। तो मन को अगर हम दिशा दें, एक विचारों की दिशा, और वो है स्वस्थ विचार, नकारात्मक विचार को त्यागें और सकारात्मक विचार अपनाएं, तो हम अपने घर परिवार में भी स्वस्थ रह सकते हैं। और बाकी बहन जी ने कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य हम किसे कहेंगे, तो आप लोगों ने तो सुना ही है कि शारीरिक, मानसिक, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर ले जाना चाहूंगी कि आध्यात्मिकता, जैसे कि एक कल्पना कीजिए एक दीपक की, कि एक दीपक है लेकिन उसकी ज्योति बुझी हुई हो, उसको रंगों से, सितारों से सजाया जा रहा हो, लेकिन आप सोचिए
कि इतना सजा हुआ होकर के भी वो कोई भी अंधेरे में रोशनी नहीं दे सकता। या तो फिर कल्पना कीजिए ऐसे रथ की जिसको आप मोतियों से, फूलों से, चित्रकारी से सजाते हो, लेकिन उसका चालक ही बेहोश हो, चालक ही स्वस्थ ना हो, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। कहने का भाव मेरा ये है कि हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है और उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और वो ठीक कैसे होगा? अपने सुंदर गुणों से और सुंदर कर्मों से। और उसके लिए हम कम से कम 2 मिनट अपने इस व्यस्त कार्यभार से भी निकाल करके, समय निकाल कर उस परमपिता परमात्मा की ओर अपने मन को ले जाएं। क्योंकि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य चीजों की जरूरत होती है, वैसे अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा की शक्ति की जरूरत होती है। ओम सर। सरल और स्पष्ट शब्दों में वो बात समझाई जो हम लोग यही जानना चाहते थे कि किस तरीके से हम आत्मा की यात्रा करते हुए उसके साथ साथ अपना पूरा शरीर और अपना जीवन स्वस्थ और सुंदर बनाए। डॉक्टर मित्तल, आप तो डॉक्टर हैं और गृहिणी भी हैं साथ साथ, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगी, हम सभी को ये शिकायत रहती है कि गृहिणियाँ अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालती, तो किस तरीके से वो समय का समायोजन करें, कैसा सा करें कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए। बच्चे जब छोटे थे तो मैं अपना व्यक्तिगत बताती हूँ कि कई बार ऐसा लगता था बच्चों को कुछ हो या घर में किसी भी बड़ों को, पति या जो हमारे और घर के सदस्य हैं, तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते थे उस समय कि ईश्वर किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमार ना पड़े, भले ही मैं बीमार पड़ जाऊँ। पर जब सच में वैसी स्थिति आती थी तो पता चलता था कि एक गृहिणी के बीमार पड़ने से पूरा घर बीमार पड़ जाता, क्योंकि वही घर की धुरी होती है। तो आप कृपया ये बताइए कि कैसे हम समय निकालें और कैसे समय का समायोजन करें कि स्वयं को भी स्वस्थ रखें ताकि पूरा परिवार उस हमारे साथ स्वस्थ रह सके। मतलब हमारे यहाँ नारी समय क्यों नहीं निकाल पाती अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए? तो हमारे भारतीय समाज में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि घर के भीतर की जो जिम्मेदारियां हैं वो नारी संभाले और बाहर के पुरुष। बस इसी परंपरागत सोच के कारण आज भी जो सभी महिलाएं हैं अपना पूरा का पूरा समय घर की जिम्मेदारियों में ही निर्वाह कर रही हैं, कभी अपने बच्चों को देखने में, कभी पति, कभी सास ससुर, नगर भाभी देवर, तो इस तरह से उनका पूरा का पूरा समय घर की जिम्मेदारियों में ही व्यतीत हो जाता है। उनको खुद के स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं मिल पाता, कैसे अपने लिए समय निकाल। इसके बावजूद भी वे समय निकाल सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक जीवन शैली है हमारी वो हमारे यहाँ इतनी मतलब दखल दे चुकी है हमारे जीवन में कि जैसे ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, इन सब में ही हम व्यस्त हो जाते हैं और अपने खुद के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं देते, जबकि इन सब के अलावा हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। डॉक्टर जैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सामान्य तौर पर हमें अपने खान पान, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का तो काफी अधिक जो असर पड़ता है वो संबंध है वो हमारे खान पान से। आपको क्या लगता है कि सामान्य तौर पर जब बच्चे छोटे हैं और स्कूल जाने वाले हैं, घर में सभी तरह के लोग हैं, कुछ सदस्य बच्चे हैं, कुछ हमारे घर में वृद्ध सदस्य भी हैं और कुछ युवा भी हैं, तो एक हमारे खान पान में किस तरह का संतुलन होना चाहिए? आप ऐसे जैसा एक छोटा सा कोई एक सा डाइट प्रोग्राम बताइए कि इस तरह की चीजें हम अपने खान पान में इंक्लूड करें जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को उससे बहुत अधिक लाभ हो। हमारी पूरी जो स्वास्थ्य की रूपरेखा है वो पूरा हमारे खान पान पर ही निर्भर है। अपना खान पान कैसा होना चाहिए ये तो बताऊंगी, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है, इसी बात का बहुत दुख लगता है। जैसे सुबह उठते से हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे दूध लेना अति आवश्यक है, फिर उसके साथ हमें अपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेना है वो इम्पोर्टेंट है, कि खजूर लेना है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, अंजीर लेना है उसमें भी आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और कई लोग की आदत रहती है सुबह उठते से काजू खाने की, तो काजू खाना ठीक है लेकिन अति मात्रा में अगर खाते हैं तो वो अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है जिसमें हार्ट में जमा होकर फिर वो बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स में टर्न अप होती है।
फिर फ्रूट्स के साथ अपना नाश्ता करिए, जिसमें जो भी सीजन फ्रूट्स है उसको अपन ग्रहण कर सकते हैं सुबह नाश्ते में, ना कि तेला सुबह से पूरा फ्राइड आइटम्स ही लेना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के पराठा लेना है, भजिया लेना है, तला फला चीज नहीं खाना चाहिए। फिर अपना उसके बाद में फूड शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे कि एवरी 3 घंटे के बाद हमें आहार लेना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि हर कुछ कुछ देर में कुछ ना कुछ मंच करने की आदत रहती है, जो कि वो बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ना डाइजेशन के लिए ठीक है, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। फिर लंच की बात आती है, उसमें भी हमें अपने आहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 4 तरह की चीजें बराबर से है कि नहीं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और बाकी मिनरल आइटम्स रहनी चाहिए उसमें। खाने में भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगेन वो फिर से गैस का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, फिर बाद में पेट में जलन और छाती में जलन हो रही है, गले में जलन हो रहा है, तो ये सब चीजें अपन ही अपने आप को क्रिएट करते हैं बीमारी लाने के लिए। फिर खाने में बहुत तेला चीज नहीं लेना चाहिए, फिर से कम तेल कम मसाले वाली चीज लेनी है। और खाने में ये ध्यान रखें कि हम हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, जिसमें फिर से आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है, ना कि सूखी सब्जियां खाना कुछ अच्छा नहीं है। सूखी सब्जी खाना ठीक है, लेकिन एवरी डे इट इज नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन्स मिलेगा आपको सूखी सब्जी खाने से, लेकिन फिर से वो आपके पेट में विकार पैदा करेगा और फिर से आपको गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और दोपहर के टाइम में जैसे खाना खाके उठेंगे कई लोग, फिर कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते, तो ये बार 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 जो खाने की आदत है वो नहीं लानी चाहिए। फिर आजकल की जनरेशन है जंक फूड्स में वो लोग बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं, मतलब लेस, कुरकुरे, चाइनीज आइटम लेना है, ये सब बहुत हानिकारक है। और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उनको ये बताना चाहूंगी कि जब उनके घर में या खुद जो भी गर्भवती है महिला, उनको जंक फूड्स खाने के लिए बिल्कुल मना करिए, स्पेशली चाइनीज फूड, जो कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों में जो अजीनोमोटो के रहते हैं, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी और मदर दोनों के लिए। और रात में ध्यान दें कि बहुत लेट नाइट का खाना ना खाएं, क्योंकि फिर से पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ करेगी, उसको समय से खाना खाना है। और पानी की मात्रा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लेडीज मेरे पास आते हैं जो लोग पानी इतना कम पीते हैं, दिन में मुश्किल से 3 ग्लास, मैक्सिमम 4 ग्लासेस, बट आइडियली वन शुड ड्रिंक एटलीस्ट 12 to 15 ग्लासेस पर डे पानी पीना अच्छा रहता है। और सुबह उठ के जिनकी आदत है 2-3 ग्लास खाली पेट पानी पीने की, वो सबसे अच्छी बात रहती है। मतलब तो लेट नाइट फूड्स अवॉइड करना है, बढ़ती कोशिश अपना 6-7 बजे तक खाने, ताकि सोने के पहले 3-4 घंटे आपका डाइजेशन हो। चलिए, एक बात तो स्पष्ट हुई और जो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इम्पोर्टेंट है कि एक खाने से दूसरे खाने के बीच में मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये बात सही है कि हम लोग खासकर गृहणियां तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि 6-7 घंटे का गैप हो जाता तब खाएंगे, या फिर कई बार ऐसा है कि कोई चीज बच गई तो आधे आधे घंटे के गैप में कुछ खा लिया। तो ये आपने सच में बहुत सही बात बताई। और दूसरी बात पानी की, वाकई में जो इतनी सर्व सुलभ है जो वस्तु, उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आंतरिक सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य दोनों में से ज्यादा महत्व किसका है, और हम अपने आंतरिक सौंदर्य को कैसे निखार सकते हैं, इस विषय में कृपया आपने आंतरिक सौंदर्य और बाहिक सौंदर्य। बाहिक सौंदर्य माना तन, और आंतरिक सौंदर्य माना मन। नारी को स्वभावतः सृष्टि की देन सुंदरता, उनके तन का सौंदर्य, और कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, नहीं चाहते क्या? सब चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, सुंदर हो जाए, तन का हमारा सौंदर्य बढ़ जाए। और इसीलिए आज हम दुनिया में देखते हैं कि जगह जगह ब्यूटी पार्लर, घर में भी, भले वो पार्लर ना भी था, लेकिन घर में भी वो सारे जो प्रसाधन है वो होते हैं। लेकिन चलो ठीक है कि परमात्मा ने, प्रकृति ने
हमको सौंदर्य प्रदान की है, लेकिन क्या उसी के लिए ही धन शक्ति समय सब कुछ न्योछावर कर देना, पूरा बलि चढ़ा देना और बाकी सब बातों को भूल जाए? जैसे आज हम पहले विषय स्वास्थ्य के लिए लिए, तो वो स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देंगी लेकिन सौंदर्य पर जरूर ध्यान देंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि वास्तव में जो रूप सौंदर्य है वो भी हमारी आंतरिक सौंदर्य की देन है। अगर इंसान का बाहर का ही सौंदर्य हो और अंदर का सौंदर्य ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर का ही एक सौंदर्य है, उसको निखारने के बाद इंसान संपूर्ण सुंदर बन सकता है। जैसे आज श्री कृष्ण को कहते हैं सर्वांग सुंदर, श्याम सुंदर, है ना? बहन जी कहती है श्याम सुंदर, श्याम है लेकिन सुंदर है, तो भाई श्याम है तो उसको सुंदर कैसे कह रहे हैं? कौन सा चीज सुंदर है, उसके अंदर में कौन सी सुंदरता है जिसके कारण सारे लोग उन पर न्योछावर हो रहे हैं? जो आज खुद भी रूप सौंदर्य में बहुत अच्छे होंगे, सौंदर्य की जो प्रतिमूर्ति होंगी वो भी उन देवियों के पास, श्री कृष्ण के पास जाकर के उनकी सुंदरता का बखान करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। वास्तव में ये जो सुंदरता है ये मृग मारीचिका के समान है, जाते जाओ आपको मिलेगा नहीं, भटकना है। अब मिलेगा कहां? जैसे मृग के अंदर ही कस्तूरी का निवास है, उसी प्रकार से हमारे बाह्य सुंदरता का भी निवास आंतरिक सुंदरता से है, अर्थात मन की सुंदरता से है। जो बाह्य सुंदरता है उसका जो प्रभाव है वो क्षणिक होता है, क्योंकि आज दुनिया में जो चीज सहज मिल जाए और सहज उसका वर्णन करने हम लग जाए उसका प्रभाव बहुत अल्पकालिक क्षण मंगुल होता है। लेकिन जो कठिनाई से मिले, कठिनाई से जिसको पाया जाए, उसके लिए मेहनत की जाए, उसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि युगों युगों तक चलता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो सुकरात को ले कि वो रूप से कुरूप थे, लेकिन उनकी जो आंतरिक जो ज्ञान और गुण की स्थिति थी वो बहुत महानता है। हम अष्टावक्र जी को ले सकते हैं कि वो आठ जगह से टेढ़े मेढ़े कहे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना आत्मज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा उनके गुणों का वर्णन करते थे और कितने लोगों को उन्होंने मुक्ति और जीवन मुक्ति दी। कहने का भाव मेरा ये है कि जब पाप पुण्य का भी तौल होगा, हमारे कर्म का भी जब तौल होगा, तो भी ये देखा जाएगा कि हमने कितने के आंसू पोछे, कितने से दुआ ली, कितने के आशाओं का दीपक हमने जलाया है। तो इस प्रकार से हम अब उन चीजों को ढूंढें जिसके कारण हम संपूर्ण सौंदर्यता की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही मिलाकर के संपूर्ण सुंदर कहा जाएगा। बाह्य सुंदरता भी बहुत बड़ी बात है, वो भी कहा जाए कि आंतरिक सुंदरता से तालमेल रखती है। क्यों? ऐसा नहीं है कि इस सृष्टि रूपी रामच पर दोनों सुंदर नहीं थे। आदि अविनाशी ये आत्मा, हरेक की आंतरिक स्थिति एक समय था जब सृष्टि का आदि काल था, अनादि काल था, तो उस समय हम सब बाह्य और आंतरिक रूप से सुंदर थे। तो हम तन की सुंदरता तब कहेंगे जब उसमें चिंता ना हो, रोग ना हो, शोक ना हो, तो
सृष्टि का आदि काल सतयुग, जहाँ लोग सर्वांग सुंदर थे, तो वहां पर उनके तन की सुंदरता इसलिए थी क्योंकि उस तन से भी उनको अभिमान नहीं था, मोह नहीं था, उसमें ना कोई लोभ था ना शोक था। चलो उनका तो खुद का, लेकिन दूसरे की नजर भी उनके शरीर पर नहीं जाती थी, अर्थात उनका मन इतना सुंदर था कि उनकी इतनी ऊंची आभा थी कि लोग उनको उतने सुंदरता होते हुए भी उस नजर से नहीं देख पाते थे, और ये उनकी आंतरिक स्थिति कार्य करती थी। कितना सब कुछ होते हुए भी उनका मन विचलित नहीं होता था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां हमारी आंतरिक जो स्थिति थी, आंतरिक जो सौंदर्य था, वो सतो प्रधान स्थिति में थी, बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं आज चाहे रूप की सौंदर्यता की ओर चले, चाहे दुनिया की कोई भी चीजों की सौंदर्यता की ओर चले, उनकी अपनी स्वयं की स्थिति पर निर्भर करती है। उनका जो रूप सौंदर्य है वास्तव में आंतरिक होता है, हम बाहर को देखते हैं सोचते हैं कि ये सुंदर है, लेकिन किस लिए सुंदर है इसको हम नहीं देख पा रहे हैं। और इसीलिए आज हमें आंतरिक सौंदर्य को बनाने की जरूरत पड़ रही है। आज दुनिया में जो सौंदर्य प्रतियोगिता होते हैं, आप जानते होंगे कि वहां भी सुंदरता को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उस प्रतियोगिता में भाग कौन ले सकता है? बुद्धिमान। और कौन ले सकता है? जो स्वस्थ हो। और कौन ले सकता है? और कौन ले सकता है? थोड़ा सा विचार करो। गुणी होगा, लेकिन जो कुमारी है, जो कन्या है, उसे उसमें भाग लेने देते हैं। माना आज भी बाह्य सौंदर्य के साथ कहीं ना कहीं हमारे मन की प्यूरिटी, आंतरिक सौंदर्यता निहित है उसमें, उसको भी आज भी देखा जा रहा है, हम जान नहीं रहे। तो अभी भी परमात्मा आकर हमें अपने आंतरिक सौंदर्य को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी विधि बता रहे हैं, और वो है ज्ञान और योग। ज्ञान के बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचार दें तो अज्ञानता धीरे धीरे मिटती जाती है, लेकिन योग का प्रभाव भी मन के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे कि अगर कहा जाता है कि गुलाब की क्यारी में अगर कोई ढेला पड़ा, मिट्टी का ढेला पड़ा, तो वो भी महकने लगता है उसके संग में आकर। तो क्यों ना हम परमात्मा, जिसको कि सबसे सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, तो उनकी सुंदरता में हम रंग जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संग का प्रभाव ही आज इतना सुंदर है कि हमारे अंतरात्मा को ढो देता है, हमारे विचारों में दिव्यता लाता है, दिव्य गुणों की हमें धारणा करा देता है, और ये जो गुण है वो हमें सदा काल काम आएगा। इसलिए कहा गया है कि स्वदेशे राजा पूजन्ते विद्वान पूज्यते सर्व। तो सर्वत्र जिनकी पूजा होती है, और वो होती है गुणवान की, गुण की सब जगह पूजा होती है। राजा का तो धन देखा जाएगा, किसी का तो रूप देखा जाएगा, वहां उनको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जिनकी आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी हो, जो गुणवान हो, उसे कुछ कहने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उनकी अपनी आंतरिक आभा जिसमें इतनी पावर होती है कि वो काम कर जाती है, प्रकृति और लोग स्वतः ही उनके चरणों में झुक जाते, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए आज हम मंदिरों में जाकर के झुक जाते हैं, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया।
कि आना और छूट जाना। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो अंदर से सुंदर थे। तो इसलिए आज हम यहाँ पर चाहेंगे कि परमात्मा ने चलो नारी को इतना रूप सौंदर्य दिया है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो अंदर से भी हम सुंदर हो जाए। तो अंदर से सुंदर तो भाइयों को भी बहनों को भी बनने की जरूरत है, और उसके लिए ये परमात्मा का दर खुला है। आप आइए और अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने आंतरिक स्थिति को बढ़ाए। ओम साहब। आपने सच में इतनी मूल्यवान बातें इतनी सरल सहज तरीके से जो हमें समझाई, हम सभी सहमत होंगे इस बात से कि जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति बिना, कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि किसी को देखते ही अनायास शारीरिक रूप से भले ही वो एकदम सामान्य हो, कई बार तो सामान्य से भी अगर वो दूसरे स्तर पर है तब भी वो हमें आकर्षक लगने लगते हैं, उनकी ओर बार बार देखने का उनसे मिलने का मन होता है। और इसके विपरीत कई बार शारीरिक रूप से बहुत सुंदर लोग हैं, खूब सजे धजे हैं, सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों उनसे बात करने का, उनकी ओर देखने का मन नहीं करता। तो उसका कारण समझ में अब आता है कि वह है आपके भीतर की सुंदरता, आपके भीतर के विचार। जैसे आप भीतर से हैं वैसा आपका आभा मंडल बनने लगता है और आप वैसे ही दिखने लगते हैं। और दूसरी बात जो आपने बताई कि सच में सुंदर बनने का बहुत ही सरल सहज उपाय है उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना। ये हम सभी जानते और मानते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, आप धीरे धीरे उसके जैसे हो जाते हैं और उसके जैसे दिखने लगते हैं। तो ईश्वर से सुंदर इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो जब हम उससे प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से हम वैसे ही सुंदर हो जाएंगे। और शारीरिक सुंदरता से कहीं कहीं बहुत अधिक महत्व है आंतरिक सुंदरता का। डॉक्टर मित्तल, आप समय को देखते हुए मैं, आप हमारे बीच में उपलब्ध हैं तो मैं थोड़ा सा जरूर आपसे लाभ उठाना चाहूंगी। आप बस संक्षेप में जल्दी से हमें ये बताइए, आज के समय में जब कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल इन सबके उपयोग की इतनी अधिक अधिकता हुई कि आंखों की सबको बहुत ज्यादा समस्या हुई, मैं और बच्चों में स्पेशली, चलिए इस उम्र में लगे लगे बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चों में आजकल चश्मे लगने लग गए और आंखों की और दूसरी बहुत सी समस्या हुई। तो कृपया संक्षेप में आप हमें ये बताइए स्वास्थ्य को देखते हुए कि क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि जिनसे हमारी आंखें स्वस्थ रहें। ये तो आपका क्षेत्र है, इसलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स दे दीजिए डेली के रूटीन में, हम अपने खान पान में या और किन चीजों से परहेज करके कैसा करके हम अपनी आंखों की रोशनी को बचा के स्वस्थ रख सकते हैं। आंखों की रोशनी को बचाना या ऐसा तो कुछ नहीं है, एक्चुअली समटाइम्स इट इज वेरी वीकली। और इतना जरूर है कि बच्चे लोग के लिए, आप जब भी बच्चे लोग टीवी वगैरह देखें तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें, एकदम कि नहीं देखना है कुछ, ये नहीं करना है, ऐसा इससे आंख खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल हर चीज जैसे टीवी देखें, कंप्यूटर वगैरह भी यूज करें, लेकिन बीच में रेस्ट दें आप इसको। और अगर आप चाहें तो बीच में उसमें कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं आइस को, जिससे आइस थोड़ा कूल है, हमेशा ड्राइनेस ना आए। और चश्मों की जहाँ तक बात है तो चश्मे तो हेरिडिटरी भी होते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और चश्मा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। फिर भी विटामिन ए की कमी को जरूर पूरा करें अपने खाना खाने में, जो भी पपीता वगैरह और जिसमें भी विटामिन ए होता है आपको पौष्टिक भोजन बच्चों को दें और खुद भी लें, क्योंकि सभी के लिए आंखों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है, धरती पर स्वर बसा लेना ओ मान तुझ पर निर्भर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है। तू दीप्ति चलाता चल, तू सबको गले लगाता चल,
में अंतर तेरा रत्न करे सदगुण अब गुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है नदी ना अपना जल पीती पेड़ ना अपना फल खाते पर जो पर दुख को अपना माने वह मान देर से बढ़कर जो पर दुख को अपना माने वह मान देर से बढ़कर सदगुण अब गुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर के ज्ञान सितारे सारा जग है तुझे पुकारे जगा कर आत्म ज्योति सबका भाग जगाने धरती के ज्ञान सितारे।